गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसे टीम का हिस्सा बनी जो अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजेता रहा मैच से पहले वो लोग वहाँ पर सारे जिप्सी सॉन्ग में डांस कर रहे थे तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट था ड्रेसिंग रूम में भी बहुत मस्ती करते थे एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे फ्री समय मिल जाए तो सबसे पहले कॉल मम्मी को लगा लेते बट जब देखा कि इतनी भीड़ है और सारे मेरे लिए एयरपोर्ट पहुँचे तो वो बहुत अद्भुत मुझे जिमिकंद की सब्जी बहुत अच्छी लगती है तो वो मम्मी हमेशा तैयार रखो तो फाइनल में सबसे अच्छा मोमेंट ये था कि पूरी टीम एक साथ कह रही थी कि नहीं आज तो शेफाली ने टॉस जीतना ही है और हमको आज फील्डिंग करनी है क्योंकि हमारा बोलिंग अटैक बहुत अच्छा है मे, मेरा मन था कि मैं वो जॉब ना करके क्रिकेट में ही आगे बढ़ूं मुझे जब भी भी देखते थे तो बोलते थे छत्तीसगढ़िया और मैं पीछे से चिल्लाती थी सबले बढ़िया आज से कुछ दिन पहले ही आईसीसी वुमेन अंडर नाइनटीन मैच का वर्ल्ड कप हुआ जिसमें भारत की बेटियों ने अपना परचम लहराया और उसी टीम में फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा सत्यवर्सी ने हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया आइए मैं उनको मिलवाता हूँ आपसे मैम कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ कैसे रहा आपका आ, अंडर नाइनटीन के बच्चों को सिखाने का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा बहुत आ, गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसे टीम का हिस्सा बनी जो आ, अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप का विजेता रहा तो ये बहुत बड़ी बात है सारे महिलाओं के लिए सारे महिलाएं जो क्रिकेट से इन्वॉल्व हैं उनके लिए सारे क्रिकेटर्स के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारा वुमेंस वर्ल्ड कप ये पहली बार हमारे देश में आया है तो ये बहुत बड़ी बात है मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं ऐसे टीम का हिस्सा हूँ मैम एक सीनियर टीम को कोच करना या फिजियोथेरेपिस्ट करना उसके आ, उसके जगह पे आप छोटी टीम को कर रहे हैं आपने दोनों टीमों का अनुभव है तो आपको क्या डिफ़िकल्टीज हुई दोनों टीमों के बीच में सामंजस्य बैठाने में अंडर uh, 19 की लड़कियां काफ़ी यंग uh, होती हैं उन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सीनियर टीम मेच्योर होते हैं उनको पता होता है कि उनके प्रैक्टिस uh, के लिए उनके क्रिकेट के लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है तो उनमें मेच्योरिटी लेवल का डिफरेंस रहता है बस पैशन में दोनों ही बिल्कुल पैशनेट होते हैं अपने क्रिकेट को लेकर के तो थोड़ा ये चैलेंजिंग था जहाँ पर uh, उनको उनके स्लीप की अहमियत समझाना आ, उनके लिए नींद कितनी ज़रूरी है रिकवरी के लिए ये समझाना थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करके रखना क्योंकि थोड़े यंग बच्चे होते हैं उनको थोड़ा मुश्किल होता है ब, बस इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उसमें उनमें और आ, सीनियर्स में कोई डिफरेंस है मैम जैसे अगर और कोई बच्ची लड़की या कोई भी व्यक्ति अगर आ, चाहे स्पोर्ट्स के फील्ड में आके फ़िजियोथेरेपिस्ट बनना तो उसको किस तरह की पढ़ाई करनी आवश्यक होगी इसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए फ़िजियोथेरेपी के फील्ड में पहले बैचलर्स होता है बैचलर्स के बाद आजकल स्पोर्ट्स में मास्टर्स होने लगे हैं मैंने आ, मास्टर्स ऑफ रिहेबिलटेशन किया था और उसके बाद से मैंने स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हूँ तो आ, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा चैलेंज है अगर कोई फिजियो स्पोर्ट्स की फील्ड में आना चाहता है तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिनका अवेयरनेस आजकल कल बढ़ने लग गया है तो डेफिनेटली फिजियोज़ के लिए भी ये बहुत ब्राइट फ्यूचर है यहाँ पर मैम आपको वर्ल्ड कप में फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में जाने का मौका कैसे मिला Uh, मैंने पहले uh, यहाँ से सीनियर टीम के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैंने सीनियर टीम के साथ एज अ असिस्टेंट फिजियो काम किया है पिछले साल 2022 में वन डे वर्ल्ड कप था जिसमें मैं इंडिया का हिस्सा थी और वहाँ पर मेरा काम इन लोगों ने देखा हुआ था उन्हें लगा कि एक अंडर नाइनटीन टीम को संभालने के लिए किसी एक्सपीरियंसड इंसान की ज़रूरत है वहाँ से मुझे मौका मिला मैम जैसा कि हम मेंस क्रिकेटर्स के भी इंटरव्यूज़ देखते हैं तो जितने पैशनेट और अच्छे खिलाड़ी मैदान में होते हैं उतने ही मस्तिक और वो मैदान के पीछे होते हैं तो मैम ऐसा कोई स्टोरी बताइए आपने इतने लोगों को इतने लोगों के साथ रही हैं तो ऐसा कोई मोमेंट जो आपको बहुत यादगार रहो बहुत फ़नी रहो आम, जो हम आ... हमारी जो लड़कियाँ ना वो भी बहुत शैतान बहुत एक से एक कार्टून है हमारे का, इसमें टीम में तो वो लोगों ने साउथ अफ्रीका जाके वहाँ के जो म्यूज़िक प्ले जो म्यूज़िक सिस्टम वहाँ पर लगा हुआ था वहाँ जा कर के उन्होंने अपना सॉन्ग चलवाया जिप्सी और जस्ट एग्जाम से आ, मैच से पहले वो लोग लो वहाँ पर सारे जिप्सी सॉन्ग में डांस कर रहे थे तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट था ड्रेसिंग रूम में भी बहुत मस्ती करते थे एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे प्रैंक करते रहते थे तो ऑफ दी फील्ड वो लोग भी उतने ही मस्ती करोते हैं जैसे मैन क्रिकेटर्स हैं। जी मैम आप, आपका शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है जितना मैं आपसे बात किया उसके हिसाब से मैंने ऑब्जर्व किया जी। तो आप अपने फ़्री समय में क्या करना पसंद करती हो आ, फ्री समय तो टूर्नामेंट के टाइम तो मिलता नहीं है आ, फ्री समय मिल जाए तो सबसे पहले कॉल मम्मी को लगा लेती हूँ क्योंकि सारी एनर्जी तो मुझे मेरी माँ से मिलती है तो उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है तो कोशिश करती हूँ कि हर दिन हो जाए पर वो इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है कि वो कॉल लगाती हूँ और उनसे ही बात करती हूँ मैं मैम काफ़ी लंबे समय के बाद आप छत्तीसगढ़ लौटी तो आपको घर वालों ने कैसा स्वागत किया कैसा अनुभव रहा आपका उसके बारे में कुछ बताइए ओ वो तो बहुत ही बहुत शॉकिंग मोमेंट था जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा परिवार होगा वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त होंगे बट जब देखा कि इतनी भीड़ है और सारे मेरे लिए एयरपोर्ट पहुँचे तो वो बहुत अद्भुत मोमेंट था मैं शायद लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊँगी थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी सबको देख करके बहुत अच्छा लगा मुझे Uh, मैम ऐसा कोई फेवरेट डिश जो आप अपने घर आती हूँ और आपकी मम्मी आपके लिए ज़रूर बनाए ऐसा कुछ मैं यहाँ पहुँचने से पहले ही मैं पोचे स्टॉम से कॉल कर दिया था मम्मी मुझे बता रही है कि बेटा बस आप आ जाओ यहाँ आकर के आपके लिए जिमिकन बना करके रखेंगे मुझे जिमिकन की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है तो वो मम्मी हमेशा तैयार रखती है मुझे उनके हाथ के बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं तो वो बना के रखती हैं मैम एक दर्शक के रूप में जब हम क्रिकेट देखते हैं तो जब मैच चलते रहता है मैम उस टाइम इतना सस्पेंस रहता है हमारा हमारा दिल इतना रोमांचित हो जाता है तो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में एक टीम के सदस्य के रूप में बैठे रहती हैं तो जब वुमेंस नाइन्टीन का ये जो मैच हुआ उसके फाइनल में आपका क्या आ, हाल था और उसके जीत के बाद के कैसे सेलिब्रेट किया आप लोग कैसा फ़ील किया आप लोग जी हम लोग भी आ, बच्चों के साथ हम भी बच्चे बन जाते हैं तो जब हम डगआउट में बैठे रहते हैं तो हमारा मैच स्टार्ट होने से पहले टॉस के टाइम से चालू हो जाता है एक सस्पेंस कि हाँ टॉस शफाली टॉस जीतेगी या नहीं जीतेगी तो फाइनल में सबसे अच्छा मोमेंट ये था कि पूरी टीम एक साथ कह रही थी कि नहीं आज तो शफाली ने टॉस जीतना ही है और हमको आज फील्डिंग करनी है क्योंकि हमारा बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है तो वो एक मोमेंट रहता है और हर बॉल के बाद हर रन के बाद हर विकेट के बाद जिस तरह हम चिल्लाते हैं तो आप कभी भी आप टीवी देखिएगा तो हम लोग हमेशा शाउटिंग करते रहते हैं तो डेफिनेटली वो एनर्जी भी हमारे में भी रिफ्लेक्ट करता है तो मज़ा आता है वो मैच देखने में जी मैम आपका आ, आपके सफर में आपके परिवार वालों ने आपका कितना साथ दिया आपको ऐसा कभी लाइफ में पॉइंट आया हो जहाँ पे आपको काफ़ी नर्वस फील कर रही हो या किसी डिसअपॉइंटमेंट का फीलिंग हो उस टाइम पे आपके फैमिली वालों ने या किसी ने आपको कैसे सपोर्ट किया Uh, मेरे फैमिली का बहुत अहम रोल रहा है मैं जहाँ हूँ आज मैं अपने फैमिली के सपोर्ट की वजह से हूँ बहुत अप्स एंड डाउनस आते हैं हर इंसान की लाइफ में और वहाँ से निकल पाना तभी आसान होता है जब आपके साथ आपका परिवार खड़ा रहे तो uh, एक कॉल में मैं 24 घंटे में कभी भी मैं कॉल करूँ मेरा भाई हमेशा मेरे साथ रहता है मेरे मम्मी पापा ने हर डिसीजन में, में मेरा साथ दिया है एक पॉइंट ऐसा आया था जहाँ पर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिली थी और मे मेरा मन था कि मैं वो जॉब ना करके क्रिकेट में ही आगे बढ़ूँ और इस डिसीजन को लेने में मेरे फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया नहीं तो यूजुअली फैमिली बोलती है गवर्नमेंट जॉब है आप ले लीजिए आप आराम से अपना जॉब कीजिए बट मेरे फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ मैम आप एक छत्तीसगढ़िया के रूप में दूसरे देश में गई थी दूसरे क्षेत्रों के लोगों से मिल रही थी तो वहाँ पर उन लोगों ने आपका आपके साथ कैसा व्यवहार किया कैसे आपको ट्रीट किया मेरे टीम में कुछ लड़कियाँ हैं जो मुझे हमेशा दूर से हुटिंग करती थी मैम छत्तीसगढ़िया और मैं पीछे से चिल्लाती थी सब ले बढ़िया <laughs> तो ये चीज़ फेमस हो गई थी वहाँ पे मुझे जब भी, भी देखते थे तो बोलते थे छत्तीसगढ़िया और मैं पीछे से चिल्लाती थी सब ले बढ़िया <laughs> छत्तीसगढ़ में मैम क्रिकेट का स्तर क्या है यहाँ के जो आ, लोग हैं वो क्रिकेट के क्षेत्र में उभर पाएंगे कि नहीं किस तरह का खेल है इसके बारे में आप बताइए छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं आ, स्किल वाइज तो कोई कमी नहीं है थोड़ा और फैसिलिटीज़ अगर मिल जाए गवर्नमेंट से और हमारे एसोसिएशन से तो मुझे लगता है कि यहाँ की महिलाएँ क्रिकेटर भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं उन्हें थोड़े से पुश की ज़रूरत है जो एसोसिएशन और गवर्नमेंट से मिल सकता है मैम ऐसा आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह के योजनाओं को लाए या कैसा पॉलिसी बनाए जिससे कि ऐसे स्पोर्ट्स में लोग हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे भी आगे बढ़ पाएँ Uh, मुझे लगता है किसी भी टूर्नामेंट को जीतने के पीछे सिर्फ़ एक वो टूर्नामेंट का तीस दिन नहीं होता है उसके पीछे बहुत लंबी तैयारी लगती है जिसके लिए मुझे लगता है कि अगर थोड़े और हमें ग्राउंड uh, फैसिलिटीज़ मिले जहाँ पर हमें ग्राउंड uh, अवेलेबल करवाया जाए एक कैंप लगाया जाए जिस जो सिर्फ फिटनेस पे काम किया जाए एक कैंप लगाए जो सिर्फ स्किल पे काम किया जाए अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलेगी ना जैसे लड़कों को मिलती आई है अब तक अगर वुमेंस को भी मिलेगी तो भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं मैम आप छत्तीसगढ़ की बेटियों के लिए जो आदिवासी क्षेत्रों में रहती हैं जिन तक सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं संचार का अच्छा माध्यम नहीं है अगर किसी माध्यम से हमारे ये वीडियो उनके तक पहुंचा तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी मैं छत्तीसगढ़ की बेटियों से एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि आ, हम किसी से कम नहीं हैं बस हमें थोड़ा सा और सपने देखने की ज़रूरत है क्योंकि अगर हम सपना देखेंगे तभी हम सपना पूरा कर पाएंगे तो आप सभी ये काम कर सकती हैं अगर मैं वहाँ हूँ तो आप सभी ये कर सकते हैं जी तो ये थी हमारे साथ आकांक्षा सत्यवर्ती जी जिन्हें जिन्होंने वुमेंस अंडर 19 के टीम में फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में काम किया और टीम को सफलता दिलाई मैं राहुल अग्निहोत्री आर जे न्यूज